अनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन व पीआरटीसी के स्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज नंगल डिपो के समक्ष जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार व परिवहन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पनबस यूनियन के नेता रामदयाल, सुखराज सिंह व प्रदीप कुमार इत्यादि ने कहा कि आज की गेट रैली प्रदेश की जनता के अनुसार 10,000 नई बसें डालने, पनबस व पीआरटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने, बराबर काम बराबर वेतन देने, पीआरटीसी के नए ठेकेदारों के करार रद्द करने, संघर्ष के दौरान निकाले गए कर्मचारी को फिर से बहाल करने इत्यादि मांगों को लेकर की जा रही है। इस मौके पर क्या कहा पनबस कर्मचारी यूनियन के नेता रामदयाल ने पहले जे सुने। अज असीं जिहड़े पूरे पंजाब दे विच अपनियां मंगां दे संबंध विच जिहड़ियां गेट रैलियां कर रहे हैं, गेट रैलियां करन दा नाल इक साडे अपना जिहड़े पीआरटीसी दे जिहड़े वर्कर भी हैगे आ उहनां नूं नौकरी तों कढ़िया जा रिहा जां कहो जी सिद्धे तरीके नाल ही बिल्कुल ठेकेदार दे पल्ले च सड़ दित्ते आ बंदे उह जिहदे नाल की हो रिहा वर्करां दा बहुत ज्यादा नुकसान हो रिहा। सरकार इह चाल चल के देख रही है, इही जिहड़ा पैंतरा उस तों बाद साडे पनबस रोडवेज दे साथियां विच लाया जाऊंगा। सो इस करके जिहड़े पूरे पंजाब च गेट रैलियां कर रहे हैं कि तां जो जिहड़े अपने वर्करां दे क्योंकि सरकार ने घर घर नौकरी का वादा किया रुजगार देने का दूर है जिहड़े मुलाजम पक्के करन दा इस वेले सरकार को समा सीगा कि 15-15 साल तो कम करते आ रहे हैं उन्होंने पक्का करन दे बजाय उल्टा सरकार ठेकेदार दे उन्होंने झोली में छट रही है जिस करके जथेबंदी का जोरदार विरोध कर दी है। सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा कर्मचारी नेता सुखराज सिंह ने जे भी सुने। अज असीं गेट रैलियां कीतियां जी पंजाब सरकार के विरोध में क्योंकि पंजाब सरकार बहुत लंबे समय तो साडियां जिहड़ियां बिल्कुल जायज मंगा वा उन्होंने मनन इनकार कर रही है। हर बार मीटिंग का झूठा लारा दे के मीटिंग करने तो भी मुकर जाती है ना तो मीटिंग करती है साडे नाल ना ही सानू किसी किनारे करती है। दो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बराबर काम बराबर तनखा लागू करने तो भी मुकर रही है। उन्होंने हुण एक बहुत ही माड़ी चाल चली है जो कि पंजाब रोडवेज के नाल मिलता जुलता महकमा पीआरटीसी सीगा उहदे वर्करां ते बहुत मारू नीतियां अपना दित्तियां वा असीं उस गल का भी सख्त विरोध करते हैं तो उन्होंने नाल पूरी तरह उन्होंने हिमायत करांगे। जो उन्होंने किसी भी तरह का धक्का हुंदा दिसिया सानू ते पूरी हिमायत करांगे। 26 तरीक नूं 2 घंटे वास्ते पूरे बस स्टैंड बंद करके सारे पंजाब के 9 डिपू पीआरटीसी 18 डिपू पंजाब रोडवेज के सख्त विरोध किया जाऊगा। या फिर भी पीआरटीसी नाल किसी तरह धक्का होया तो असीं लंबे समय लई सारियां बसां बंद करके विरोध करांगे जी। पंजाब सरकार नूं सख्त चेतावनी दिंदे आ कि किसी तरह का भी किसी नाल मुलाजम नाल धक्का नहीं होण दित्ता जाए। इन नेताओं ने कहा कि अगर सरकार हमारी इन जायज मांगों को पूरा नहीं करती तो 16 अप्रैल को पीआरटीसी के गेटों के समक्ष रैलियों का आयोजन होगा, 23 अप्रैल को पंजाब भर में पनबस व पीआरटीसी के समस्त डिपो के समक्ष धरने प्रदर्शन होंगे और अगर फिर भी बात ना बनी तो 26 अप्रैल को पंजाब के समस्त बस स्टैंडों को 2 घंटों के लिए बंद कर पंजाब सरकार के पुतले फूके जाएंगे। इस मौके पर कर्मचारी नेता प्रदीप ने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हुए जे भी सुने। जिस तरह सरकार ने नीति बनाई है जी अपनी उदे जनानियां फ्री करन दा नाल सरकार बसा पावे ते नाल जिहड़े समूह वर्कर है उन्होंने पक्का किया जाए। सिटी हलचल के लिए करण चोपड़ा की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4400 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी और 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94634-9376-85560-88974। सारे नगर निवासी रास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी।